इस गड्ढे के नीचे से सुनाई देती है चीखें और आज तक कोई ये नहीं समझा सका कि इस गड्ढे के नीचे आखिर है क्या। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपको इस गड्ढे के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लोर द डोर टू हेल, कोला सुपर डीप वेयर होल। आपने धरती के उस डायग्राम को तो जरूर देखा होगा जिसमें आपको धरती के अलग अलग परतें देखने को मिलती है, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट्स आज तक जान ही नहीं पाए कि असल में अर्थ के इन पार्ट्स के नीचे आखिर है क्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके मन में शायद ये सवाल उठता होगा कि तब हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ये पढ़ाया क्यों जाता है। इसका आंसर ये है कि साइंटिस्ट ने जस्ट प्रिडिक्ट किया है कि इसके नीचे खनिज और ऐसी चीजें हो सकती है जिसके बारे में हम जानते हैं, पर रियलिटी आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि साइंटिस्ट धरती को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स पे तो जाते हैं, पर फनी बात ये है कि साइंटिस्ट को अपने धरती से ज्यादा दूर के गैलेक्सीज और तारों के बारे में पता है। धरती के सतह के बहुत से हिस्सों को तो आज तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये तो फैक्ट है, पर धरती के अंदर भी आज तक हम लोग नहीं जा सके। आज तक की सबसे गहरे होल की बात करें तो वो है कोला सुपर डीप वेयर होल, जो कि लगभग 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा है और ये धरती का सबसे गहरा हिस्सा है जिसे इंसान ने आज तक देखा है, और ये समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट से भी ज्यादा गहरा है, और ये गहरे पोजीशन की रेस में सबसे आगे है क्योंकि इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। और मेन बात ये है कि आज तक कोई इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा सका है। ये इंसान का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल गड्ढा है। 1970 के समय में सारे कंट्रीज के बीच में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और बाकी विज्ञान की फील्ड में कंपटीशन चल रही थी और धरती के नीचे की सीक्रेट्स को लगभग हर देश जानने की कोशिश में थी। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। उस कंपटीशन में रशिया बहुत आगे निकल गई थी जब उन्होंने इस गड्ढे को ड्रिल किया जिसका नाम है कोला सुपर डीप वेयर होल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उस गड्ढे की एक्सपेरिमेंट दुनिया की सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। उस गड्ढे ने हमें पूरी की पूरी नई दुनिया दिखा दी। उस गड्ढे में बहुत सारे रहस्यमय चीजें मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी खुल के नहीं बताया, पर ऐसी बहुत सी चीजें मिली जिसके बारे में उन्होंने बताया था। उस गड्ढे से साइंटिस्ट को धरती के नीचे के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला। जब उस गड्ढे को लगभग 7 किलोमीटर तक कोड़ा था उन्होंने, तब उन्हें धरती के नीचे पाए गए पत्थरों में जल मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बहुत अमेजिंग डिस्कवरी था क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि धरती के इतने गहराई में पानी मिलेगा। रिसर्चर्स को ये पता चला कि धरती के इतने नीचे जल की फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चलते हुआ है। ऐसी छोटी छोटी डिस्कवरीज से हमें ये पता चलता है कि धरती के नीचे कई बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। इस गड्ढे में जो सबसे अमेजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई वो है सूक्ष्म जीवन की खोज। जी हाँ, इस गड्ढे के इतने अंदर हमने किसी लाइफ फॉर्म को एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस गड्ढे के इतने अंदर हम किसी लाइफ फॉर्म को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम धरती के जितना अंदर जाते हैं टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहता है और बहुत कम प्रकार के ही माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उतनी कम टेम्परेचर में। टिपिकली रिसर्चर्स ने तो यही सोचा था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। सिर्फ एक नहीं, बहुत प्रकार के नए नए माइक्रोब्स की अस्तित्व के बारे में पता चला जो उतने टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, और वो माइक्रोब्स बहुत पुराने रॉक्स में पाए गए। ये तो ऑब्वियस बात है कि धरती के अंदर जो वो पत्थर मौजूद है वो 2 बिलियन ईयर्स यानी इतने साल पुराना है। जी हाँ, आज भी वो रॉक्स वही कंडीशन में है और इन्हीं पुराने रॉक्स में ये माइक्रोब्स मिले। रिसर्चर्स को उस होल में और भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित चीजें मिली। जैसे उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उस होल के नीचे गैस भी मिल सकता है, पर उस होल के नीचे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस मिली। 1994 में इस कोला सुपर डीप वेयर होल को बंद कर दिया गया और रिसर्चर्स ने इसके बंद होने के कई कारणों को बताया। सबसे मेन रीजन जो उन्होंने पब्लिक में बताया
वो है टू हॉट टेम्परेचर। उस गड्ढे के सबसे गहरे पार्ट में जो टेम्परेचर थी वो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस थी, और ये बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि 180 डिग्री सेल्सियस में क्या होता होगा। जब उन्होंने इस गड्ढे को कोड़ना शुरू किया था, उस समय इन लोगों ने कैलकुलेशंस के हिसाब से इस बात का अंदाजा लगाया था कि टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर उनकी कैलकुलेशंस गलत निकली और टेम्परेचर, जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद से कहीं ज्यादा 180 डिग्री सेल्सियस निकली, और इसी के चलते और आगे कोड़ना उनको सही नहीं लगा। और जितना गहरा वो कोड़ते थे, रॉक डेंसिटी यानी उसका घनत्व उतना ही बढ़ता रहता था, और आगे कोड़ने के लिए इन्हें और पावर की जरूरत पड़ने लगी। इसी के चलते 1994 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दिया वो तो पब्लिक में ओपनली रिलीज किया गया था, पर इस गड्ढे से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में कभी रिलीज नहीं किया गया। कई लोगों का ये कहना है कि उस गड्ढे को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट डरे हुए थे कि कहीं वो नर्क तक नहीं कोड़ दे। जी हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर कई लोगों का तो यही मानना है कि साइंटिस्ट को इस गड्ढे से इंसान की चीखें सुनाई दे रही थी, और कई रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि ये आत्माओं की आवाज थी जो नर्क में निवास करती है। ये मिथिकल बात तो जरूर है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग स्वर्ग और नरक जैसी चीजों पे यकीन नहीं करते, पर आप ही कहिए कि क्या धरती के इतने नीचे से आवाज आना कोई सेंस बनाती है? देखा जाए तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसे कोई रहस्यमय कारण के लिए बंद कर दिया गया था। इसका मतलब रिसर्चर्स पब्लिक से छुपाना चाहती है कि आखिर उस प्रोजेक्ट को बंद क्यों कर दिया गया, और इतना स्ट्रिक्टली क्यों? मेरा मतलब इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और अगर आप उस होल को विजिट करना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि जब उस प्रोजेक्ट को बंद किया गया था उस समय इस गड्ढे को पूरी तरह से सील कर दिया गया था ताकि इस प्रोजेक्ट को फिर से कोई शुरू ना कर सके। अब ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है और आप चाह के भी इसको अभी विजिट नहीं कर सकते। कई लोगों का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस गड्ढे से जुड़ी सारी बातें बकवास है, पर ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि इस गड्ढे के नीचे नरक एग्जिस्ट करती है। इस जगह का रहस्य आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धरती के इतने नीचे नरक या वैसी कोई रहस्यमय जगह एग्जिस्ट करती है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।